नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज। आज के इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं टीपी लिंक एक्सेस पॉइंट के बारे में। हमारे पास जो टीपी लिंक एक्सेस पॉइंट है 300 एमबीपीएस का है, सीलिंग माउंट एक्सेस पॉइंट है, तो हमें इसको करना है अनबॉक्स और इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसको मैंने कट कर लिया है, पॉलीथीन ऊपर से एलिमिनेट रहती है और इसको हम ये देखिए पैकिंग बहुत बढ़िया है, इसका कवर और इसकी डिटेल्स सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। अब इसको हम ओपन करेंगे, ये यहाँ से ओपन होता है। ये हमारा टीपी लिंक का एक्सेस पॉइंट है, वाइट कलर का, 300 एमबीपीएस का है और इसमें हमें देखते हैं क्या क्या इसे सीरीज के साथ मिलता है। तो ये टीपी लिंक का सबसे पहले तो एक्सेस पॉइंट मिल गया हमें, इसको भी साइड में रख दे रहे हैं। और ये इसके कुछ प्रोसेसर्स हैं, मैनुअल्स, क्विक इंस्टॉलेशन गाइड और साथ में ये हमें सीलिंग में हैंग करने के लिए इसका ब्रैकेट दिया गया है। तो इसको हम पेस्ट टाइट करेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे। और साथ में इन्होंने क्या दिया, एडाप्टर दिया है। इसी के साथ में आपको एडाप्टर भी मिल जाता है और साथ में इसके कुछ स्क्रू हैं, पेचेज वगैरह हैं, तो इसको हम साइड में कर दे रहे हैं। और हम आते हैं अपने टीपी लिंक एक्सेस पॉइंट के पास और इसको हम अनबॉक्स करेंगे। ये बहुत प्यारा सा है, यूनिक डिजाइन, और ये अपना टीपी लिंक का लोगो। और इसके बैक साइड आप देखेंगे तो लैन का एक पोर्ट दिया गया है और एक पावर का है और रीसेट बटन भी दी गई है। अगर आप चाहें तो पावर भी दे करके आप अपना इंटरनेट चला सकते हैं, नहीं तो पीयूई के साथ लगाएंगे तो पीयूई के साथ पावर भी चला जाता है और आपका इंटरनेट भी चला जाता है। तो आप जैसे चाहें आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब इसको लगाने के लिए ये ऊपर हैंग होगा फॉर सीलिंग में और यहाँ से ये देखिए इसको इसको सीधा लगाना है और इसको मूव करा देना है, ऐसे मूव करा देना है, ये ऐसे हैंग हो जाएगा और ऐसे ये ओपन हो जाएगा। ओपन करके निकाल लेंगे तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ। तो कंप्यूटर पे अपने आ गए हैं और हमें इंटरनेट केबल डाल दी है पीयूई के साथ, तो ये टीपी लिंक का हमारा कनेक्ट हो गया है। और अब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में साइट डाल देंगे कि साइट से डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। तो टीपी लिंक की साइट उसके मैनुअल्स पे एंटर रहती है, आप उसके मैनुअल से देख सकते हैं टीपी लिंक की साइट। और ऐसा जब साइट डालेंगे तो डायरेक्टली ये ऐसा आपको पेज मिलेगा। तो यहाँ पे पासवर्ड, यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। बाय डिफॉल्ट एडमिन एडमिन होता है, लॉगिन कर लेंगे उसके बाद। लॉगिन मैंने कर लिया है और यहाँ पे नया पासवर्ड आपको बनाने के लिए पूछ रहा है, तो आप नया पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहें पासवर्ड बना सकते हैं। अभी लोअर पासवर्ड है, मिडिल, और आप यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस है तो इसको इनेबल करना है। तो यहाँ पे SSID पूछ रहा है, किस नाम से आपका वाईफाई शो करे, तो आप यहाँ पे नाम दे देंगे। तो मैं नाम डाल दे रहा हूँ, और उसके नीचे पासवर्ड हम डाल दे रहे हैं। पासवर्ड डालने के बाद आप सेव कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ अप्लाइंग हो रहा है, मतलब कि अब आपकी जो सेटिंग आपने किया है, जो SSID डिफ़ॉल्ट थी उससे डिस्कनेक्ट होकर के जो मैंने SSID बनाई है तो उस पर अब चेंज हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, 60%, 62, 64। तो यहाँ मैसेज आएगा सक्सेस का मैसेज आ गया है। तो यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। फिनिश
फिनिश करने के बाद अब हमारा जो इंटरनेट कनेक्ट था डायरेक्टली डिफॉल्ट SSID से तो डिसकनेक्ट हो गया, तो मैं इसको फिर से जो मैंने SSID बनाई है उससे कनेक्ट हो जाऊंगा, कनेक्ट करूंगा। जो मैंने पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड में डालूंगा और नेक्स्ट कर देंगे। पासवर्ड डालने के बाद सही पासवर्ड डालेंगे और यस कर लेंगे और तो हमारा ये इंटरनेट ऑटोमेटिक चल जाएगा और जो पेज है पेज इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रीलोड हो गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे डिवाइस की सेटिंग दी गई है किस सीरीज में IP चल रही है। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।